हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल वाले योगी में। मैं डॉक्टर योग सिंह आपके सामने आज साइटोलॉजी के एमसीक्यू लाए हूँ, जिसमें हम आपके कुछ क्वेश्चंस रखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूबल्स आर कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें ये कहा गया है कि कौन सा कंपोनेंट्स है जिसमें माइक्रोट्यूबल्स नहीं है। तो देखिए, सेंट्रोल में होते हैं माइक्रोट्यूबल्स, इसमें एपरेटस में भी होते हैं। ठीक है, ट्रैक एलोंग विच ऑर्गेनिज कैन मूव यूजिंग मोटर मॉलिक्यूल्स, इसमें भी। लेकिन द पिंचिंग पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इन एनिमल सेल, तो पिंच होता है जब आप साइटोप्लाज्म को भी आपकी आपकी बेसिकली रिमूव करती है बाहर की तरफ, पिंच ऑफ होती है, तब आपका इसमें माइक्रोट्यूबुल्स का यूज नहीं होता है। ठीक है, डी इसका आपका सही आंसर है, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड आर इम्पोर्टेंट फॉर। तो ये देखिए, ये जो होती है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, वास्तव में क्या, यदि सेल मेम्ब्रेन पर यदि प्रोटीन पर यदि पॉलीसेक्राइड अटैच हो जाती है चेन, तो वो प्रोटीन कहलाती है ग्लाइकोलिपिड। यदि लिपिड से अटैच हो जाती है तो कहलाती है ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो वो लिपिड जिसमें पॉलीसेक्राइड है, ग्लाइकोलिपिड। तो ये दोनों जो लेयर हैं बाहर आपकी मेम्ब्रेन से आउटर साइड पर होती हैं, इनर साइड पर नहीं होती। तो आउटर साइड पर निकल करके एक लेयर बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स या सेल कोट के नाम से जानते हैं, जिसका मेन काम होता है सेल सेल रिकॉग्निशन। ठीक है, जैसे हम कोई भी सेल आपका बॉडी पार्ट्स को यदि दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट करते हैं उसी और उसी बॉडी में, तो आसानी से सेल रिकॉग्नाइज कर लेती है उसी सेल को। ओके, लेकिन जब यदि हम डिस्टेंस किसी बॉडी पार्ट को लेते हैं किसी दूसरे आपके हमारे ह्यूमन बींग से, ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा जेनेटिक मेटेरियल डिफरेंस हो जाता है तो वो सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, तो आसानी से ट्रांसप्लांट नहीं होता। ओके, इसलिए सेम बॉडी पर आसानी से होता है, ट्वींस जो होते हैं उनमें थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है तो वहाँ ट्वीन थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है रिकॉग्निशन कम होता जाता है। ओके, या कह सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन होने में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो इसका सही आंसर है सी। विच सेलुलर ऑर्गेनेल्स फंक्शंस इन राइबोसोम सिंथेसिस, जानते हैं। देखिए, ER, निकोलोलस, न्यूक्लियस और गोल्जी बॉडी, सही आंसर है निकोलोलस, क्योंकि इसमें क्या होता है राइबोसोम का सिंथेसिस के लिए आपके होते हैं राइबोसोम RNA सिंथेसिस होता है। ठीक है, केवल आपका न्यूक्लियस के अंदर 5S जो राइबोसोम RNA होता है उसका सिंथेसिस होता है। ठीक, चलिए, 5S का सिंथेसिस करता है आपका RNA पॉलीमरेज थर्ड, और जो आपके और शेष RNA होते हैं यूकेरियोट्स के अंदर राइबोसोम RNA, उनका सिंथेसिस करता है पॉलीमरेज आपका RNA पॉलीमरेज फर्स्ट। ओके, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग रिजल्ट्स इनटू मोबिलिटी ऑफ सबस्टेंसिंग एंड ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इंटरेक्शन ऑफ। तो इसमें ट्यूबुलिन काइनिन, ट्यूबुलिन मायोसिन, एक्टिन काइनिसिन, एक्टिन मायोसिन, तो इसका सही आंसर है आपका एक्टिन मायोसिन। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपकी सबस्टेंस या ऑर्गेनेल मूव करते हैं उसके अंदर होता है एक्टिन मायोसिन। ये क्या इंटरमीडिएट आपकी क्या है फाइबर्स हैं। ठीक है, मैंने आपको साइटोस्केलेटन के अंदर तीन प्रकार के बताए थे। ठीक है, तो उसमें आपका जो इंटरमीडिएट है आपका एक्टिन मायोसिन। ओके, विच साइटोप्लाज्म फाइब्रिल आर मोस्ट लाइक द न्यूक्लियर लेमिना। ठीक है, तो देखिए, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीन प्रकार के मैंने आपको बताए थे साइटोस्केलेटन के अंदर। तो इसका सही आंसर है आपका सी, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये आपके होता क्या है, न्यूक्लियर लेमिना क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके न्यूक्लियोप्लाज्म की वो साइड में आपके कुछ फाइबर्स लग रहे थे, फिलामेंट्स होते हैं जो बने होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक, उसी को हम लेयर को कहते हैं न्यूक्लियर लेमिन्स। द मिडिल लेमेला ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम पैक्टेट, पैक्टिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ। तो पॉलीमर जानते हैं, वैसे आपके जो मोनोमर्स होते हैं मिलकर के एक चेन बनाते हैं, यानी बड़ी आपकी लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उसे कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, जिसमें एक ही प्रकार के मोनोमर्स होते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका डी, अल्फा 1,4-D ग्लुटरोनिक एसिड। ठीक है, ग्लुटरोनिक एसिड है जो आपका अल्फा 1,4-D। नेक्स्ट, साइटोक्रोम ऑक्सीजन साइटोक्रोम सी डेफिशिएंसी इन माइटोकॉन्ड्रिया कॉज। तो इसमें आपका मैंक डिसीज है, कंडेंसेज सिंड्रोम, मैंक डिसीज, कंडेंसेज सिंड्रोम, लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो इसका सही आंसर है बी। ओके, ये जो डिसीज है साइटोक्रोम सी की डेफिशिएंसी या साइटोक्रोम आपका ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी से होता है। विच पार्ट ऑफ ट्रांसप्लांट आपका विच पार्ट ऑफ ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स डज नॉट अकर इन ल्यूमन ऑफ ER। तो इसमें ये कहा कि ER के जो ल्यूमन होता है उसके अंदर जो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन के लिए मॉडिफिकेशन होता है, तो ये कहा
डज नॉट अकर्स, ल्यूमन के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो देखिए ग्लाइकोसाइलेशन, आपके यूविकिनेशन, कॉन्फर्मेशन फोल्डिंग फॉर्मेशन, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बोन। तो इसमें देखिए आपके जो ए सी और बी हैं ये सभी होते हैं ई आर के अंदर, ठीक। ओके नेक्स्ट, फ्रूट रोटिंग कैन बी चेक बाय स्लोइंग डाउन द एक्शन ऑफ एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेज। तो ये कहा है कि जो पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज है इसके एंजाइम को स्लो डाउन करने के लिए कौन सा आपका ऑर्गेनेज है। वास्तव में क्या होता है, जो ऑर्गेनेज है आपका, जैसे इन जो भी ऑर्गेनेज उसके अंदर ये एक एंजाइम बनता है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। तो ये क्या करता है, जो आपका फ्रूट कि जो सेल वॉल्स होती है, सेल वॉल के बीच में जो होता है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, इसको डिजोल्व करने का काम करता है, जिसके कारण क्या होता है फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। सेल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लगती है, तो कहते हैं स्पंज हो चुका, स्पंजी फ्रूट्स बन चुका यानी। और उसके साथ साथ एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है जिससे फ्रूट मीठा हो जाता है। ओके, तो यदि हम इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दें तो फ्रूट क्या होगा, स्पंजी नहीं होगा, और स्पंजी होने के बाद फिर रोटिंग यानी सड़ने लगता है। तो इसका इस ये ऑर्गेनिक जो है वो जो आपका है गोल्जी आपके दिया है, गोल्जी लाइसोसोम ग्लाइऑक्सीसोम परऑक्सीसोम। तो सही आंसर आपका ग्लाइऑक्सीसोम, ठीक है। ओके नेक्स्ट, लाइसोसोम आर अबंडेंट इन, तो लाइसोसोम सबसे ज़्यादा मात्रा में किस में मिलता है, तो WBC ऑस्टियोब्लास्ट, RBC स्प्लीन, RBC स्प्लीन लिवर स्प्लीन। तो इसका सही आंसर है आपका WBC स्प्लीन। होता क्या, लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है, जो आपकी फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करती है कुछ कंपाउंड्स को आपके फेगोसोम के माध्यम से अंदर ले लेती हैं, ठीक है, और फिर उसमें लाइसोसोम फ्यूजर को उनको आपका डिग्रेड करता है, नष्ट करता है। तो आर स्प्लिन क्या करती है, स्प्लिन जानते हैं क्या कहलाती है, स्प्लिन ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। तो यहाँ भी लाइसोसोम की बहुत ज़रूरत होती है, WBC का आप जानते हैं, ठीक है ना। ओके तो आपका सही आंसर है इसका सी, द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल। तो यदि कोई ज़्यादा सेलेक्टिव है मेटाबॉलिकली तो उसका मेन करेक्टर क्या है, यदि उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मतलब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियस की मात्रा ज़्यादा होगी साइटोप्लाज्म की कम होगी तो हो जाएगा हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, यानी न्यूक्लियस की मात्रा न्यूक्लियोप्लाज्म की मात्रा कम है तो हो जाएगा लो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है। तो ये कंपेयर है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बीच में, ठीक है। तीसरा दिया हाई वॉल्यूम और सरफेस रेशियो, सरफेस एरिया रेशियो, स्मॉल न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर है आपका हाई न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। ओके तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेटाबॉलिक हाई एक्टिव सेल होगी उसका न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म लार्ज होगा। ओके आप जानते हैं जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो उस दौरान न्यूक्लियोप्लाज्म की मात्रा बढ़ जाती है, न्यूक्लियस साइज बढ़ जाता है। ओके नेक्स्ट, द फ्लैजिन प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद, हम जानते हैं फ्लैजिन और ट्यूबुलिन दो प्रोटीन होती हैं जो फ्लैजिला में यूज होती हैं। ओके तो फ्लैजिन प्रोटीन जो होती है बैक्टीरिया में होती है फ्लैजिला फॉर्मेशन के लिए, और ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है यूकेरियोट्स के अंदर, ठीक है। तो आपका सही आंसर है इसका बैक्टीरिया ए। अमंग द फॉलोइंग विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस क्या होता है, सेल डेथ होती है, इसे कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक। तो इसमें जो यूज होता है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, ऑलिगोसैकेराइड आर यूजुअली अटैच टू द एक्सटेंसिव फेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमने अभी बात की थी आपकी थोड़ी देर पहले, तो इसमें प्रोटीन लिपिड दोनों आपके ए एंड बी नॉट स्पेसिफिक, तो इसका सही आंसर है ए एंड बी। तो मैंने आपको थोड़ी देर बताया पॉलीसेक्राइड यानी ऑलिगोसेक्राइड जो चेंज होती है, यदि प्रोटीन से बाइंड करती है तो वह प्रोटीन कहलाती है ग्लाइकोप्रोटीन, यदि लिपिड से बाइंड करती है तो कहलाती है ग्लाइकोलिपिड। ओके नेक्स्ट, 5S राइबोसोमल RNA इज ट्रांसक्राइब्ड बाई, तो इसका ए दिया RNA पॉलीमरेज़ फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज़ सेकंड, RNA पॉलीमरेज़ थर्ड, RNA पॉलीमरेज़ फोर्थ। RNA पॉलीमरेज़ फोर्थ होता ही नहीं, ठीक है, यूकेरियोट के अंदर तीन होते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो सही आंसर है थर्ड। थोड़ी देर मैंने बता दिया था आपको कि फर्स्ट जो होता है वो सभी प्रकार के RNA राइबोसोम RNA के सिंथेसिस करता है एक्सेप्ट 5S राइबोसोम RNA का, ठीक है। तो 5S राइबोसोम RNA का आपको ट्रांसक्राइब करता है आपका RNA पॉलीमरेज़ थर्ड। सीडोपेप्टाइडोग्लाइकन इज फाउंड इन द सेल वॉल सेलवाल ऑफ, तो फंजाई आर्किया बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आर्किया, ठीक है, आर्किया ने पेप्टाइडोग्लाइकेन पाई जाती है, आर्किया में ट्रू पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं मिलती है, सीडो होती है। ओके
नेक्स्ट 17 में बात करते हैं, हाउ मेनी वेसल बॉडीज रिंग आर प्रेजेंट इन द फ्लैजेला ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। 2, 3, 4, 1, इसका सही आंसर है 2। ओके, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हमने इसमें दो में बात करी थी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 2 रिंग होती है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपकी 4 रिंग होती हैं बेसल बॉडी पर, ठीक है। नेक्स्ट, द रोटरी इंजन मेड ऑफ प्रोटीन एट द बेस ऑफ फ्लैजेला इज ड्राइविंग वाई, यानी ये कहा गया है कि फ्लैजेला के मूवमेंट के लिए, रोटरेट करने के लिए कौन एनर्जी का सोर्स है, ठीक है ना। तो यहाँ वैन डेर वाल्स फोर्स है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रॉन पासेज है, एक्सचेंज ऑफ सोडियम पोटेशियम आयन है, तो इसका सही आंसर है प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ठीक है। तो आपका फ्लैजेला के अंदर यही है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ बॉन्ड आर फाउंड इन फैट्स, तो फैट्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, देखिए एमाइड, ग्लाइकोसाइडिक और एस्टर एसिडिक, तो इसमें सही आंसर है एस्टर। ओके, तो एस्टर बॉन्ड कहाँ होता है, ठीक आप जानते हैं एक जो फैट होता है उसमें ट्राई ग्लिसराइड की बात करें तो उसमें 3 फैटी एसिड होते हैं और 1 आपका ग्लिसरॉल होता है, तो ग्लिसरॉल के से 3 फैटी एसिड जो बाइंड करते हैं तो वो बाइंडिंग साइड पर बॉन्ड बनता है एस्टर बॉन्ड, ठीक है एस्टर बॉन्ड, तो वो कहलाता है ट्राई ग्लिसराइड। लेकिन जो डाई ग्लिसराइड होते हैं उसमें एक फैटी एसिड के स्थान पर फॉस्फोरस आ जाता है तो कहलाता है फॉस्फोलिपिड। ओके, सही आंसर है सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ए फॉस्फोलिपिड एंड फैट, तो ये मैंने अभी बात की थी डाई डाई एसाइल ग्लिसरॉल और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है, ट्राई में एसाइल ग्लिसरॉल क्या होगा जिसमें 3 फैटी एसिड होंगे 1 ग्लिसरॉल होगा, और फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या होगा 2 आपके फैटी एसिड होंगे 1 फॉस्फोरस होगा और 1 ग्लिसरॉल होगा। ओके, तो मेन डिफरेंस की बात करें तो इसमें देखिए आपका फैट इसमें दिया है ग्लिसरॉल कंफर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फैटी एसिड चैन और सोलबिलिटी, तो आपका इसका सही आंसर है फैटी एसिड चैन, क्योंकि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड होते हैं चैन होती है जबकि डाई के अंदर 2 फैटी एसिड होते हैं, ठीक। थैंक यू, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।